एमपी में कमलनाथ कंट्रोवर्सी खत्म होते ही कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह एक्शन में नजर आ रहे हैं और दिग्गी का पूरा फोकस सिंधिया का गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल पर है। ग्वालियर चंबल की 4 लोकसभा सीटों को लेकर दिग्गी ने सर्चिंग ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। आप सोच रहे होंगे सर्चिंग ऑपरेशन, जी हाँ, दरअसल ग्वालियर चंबल में आने वाली ग्वालियर, गुना, भिंड और मुरैना लोकसभा सीटों के लिए दिग्विजय सिंह सशक्त प्रत्याशियों की तलाश कर रहे हैं। यही कारण है कि ग्वालियर, गुना के बाद अब उनका अगला दौरा मुरैना, भिंड लोकसभा सीट का रहने वाला है। दिग्गी का फोकस इस क्षेत्र पर इसलिए भी है कि इन 4 सीटों में ग्वालियर और भिंड लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों के परिणाम के अनुसार मुकाबला बराबरी का है। जबकि गुना लोकसभा सीट पर बीजेपी मजबूत है तो वहीं मुरैना में कांग्रेस ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कौन सी सीट पर कौन आगे है। गुना लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, 2 पर कांग्रेस और 6 सीटों पर बीजेपी का है कब्जा। इस लिहाज से इस सीट पर बीजेपी का है दबदबा। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से 8 विधानसभा सीटें, यहां पर 4 सीटें बीजेपी और 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास, यानी यहां 50-50 का है मुकाबला। मुरैना लोकसभा सीट पर आती हैं 8 विधानसभा सीटें, 3 सीटों पर बीजेपी जीती है, 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का है कब्जा। भिंड लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, जिसमें से 4 पर बीजेपी और 4 पर कांग्रेस का कब्जा है। विधानसभा सीटों के अंकगणित के हिसाब से भिंड और ग्वालियर लोकसभा सीट पर मुकाबला 50-50 का है, जबकि मुरैना में कांग्रेस का पलड़ा भारी है तो गुना में बीजेपी का। यही कारण है कि अब दिग्विजय सिंह इन क्षेत्रों का दौरा कर बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के साथ ही सिंधिया को सिंधिया के गढ़ में घेरने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने अपने इरादे साफ भी कर दिए हैं। और गुना में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया पर भी जमकर निशाना साधा। जो लोग डरते हैं, अरे महाराज चले गए, उनको क्या डर था? बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर चले गए, इसलिए मुझे कबीर का वो दोहा याद आता। कबीरा खड़ा बाजार में, ले हाथ जो घर फूके आप लोग चले हमारे। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह अब इन 4 लोकसभा सीटों पर ऐसे प्रत्याशी सर्च कर रहे हैं जो न सिर्फ बीजेपी को टक्कर दें बल्कि कार्यकर्ताओं की भी पसंद हो। यही कारण है कि वे बैठकों के दौरान कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर उनकी पसंद जानने की कोशिश कर ग्राउंड रिपोर्ट जुटा रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि दिग्गी के ऑपरेशन सर्चिंग का कितना फायदा कांग्रेस को आने वाले लोकसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल की लोकसभा सीटों पर मिलता है।